हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे नई भर्ती 2024 के अंतर्गत, जो आप सभी को पता है कि ग्रुप डी का यहाँ पे ऑफिशियली कैलेंडर जारी किया गया है, जिसमें आपको मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से ये बताया गया है कि ग्रुप डी का अगला भर्ती जो है आपको अक्टूबर से नवंबर के बीच आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और अभी अभी आरटीआई के माध्यम से एक बड़ा खुलासा ये हुआ है कि एक बार रेलवे ने फिर से ग्रुप डी के कई पोस्ट को यहाँ पे खत्म कर दिया है, सरेंडर कर दिया है। तो ग्रुप डी के उन सभी कैंडिडेट के लिए बहुत बुरी खबर यहाँ पे निकल के आ रही है, जो ये सोच रहे हैं कि जब इसका नया भर्ती आएगा 2024 में, जो अक्टूबर से नवंबर के बीच रिलीज किया जाना है, उसमें बहुत बंपर भर्ती देखने को मिलेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक के बाद एक यहां पे रेलवे जो है ग्रुप डी के पोस्ट को यहां पे सरेंडर कर रहा। अब एक बात यहां पे ये समझ में नहीं आ रहा कि जो पोस्ट को सरेंडर किया जा रहा, क्या उसका कोई अल्टरनेटिव जो जुगाड़ है रेलवे ने निकाला है, या फिर कोई नया टेक्नोलॉजी के तहत वहां पे कार्य किया जा रहा है। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, ताकि सारी डिटेल आप सभी तक पहुंचाया जाए, और सबसे ज्यादा इसमें जो लॉस है वो आईटीआई और अप्रेंटिस वाले छात्रों को देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रेलवे से रिलेटेड ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, जरूर से ज्वाइन हो जाएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपको कंटिन्यू वहां पर प्रोवाइड किया जाता है। साथियों, अगर आप भी रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए बेस्ट प्रिपरेशन के लिए किरण पब्लिकेशन की तरफ से, जिसमें आपका एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल, ग्रुप डी, एनटीपीसी जैसे रेलवे के किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आपके सामने किरण पब्लिकेशन का बुक आता है। इसके माध्यम से आप अपने प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग और मजबूत बना सकते हो। और इस बुक की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपका जनरल साइंस में 27,000 से ज़्यादा आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ आपको 1992 से लेकर 2022 तक में जितने भी रेलवे का एग्जाम हुआ है, हर एग्जाम का आपका ईयर वाइज और टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलता है। और ये आपका साइंस का बुक है, और इसके साथ साथ आपका सिमिलरी मैथमेटिक्स का भी बुक आता है, जिसमें 10,000 से ज्यादा आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर देखने को मिलता है 1996 से लेकर अब तक। ऑब्जेक्टिव टाइप सारा क्वेश्चन आपको टीसीएस प्रीवियस ईयर पैटर्न पे। फाइनली यहां पे रेलवे को एक आरटीआई लगाया गया था, जिसमें ग्रुप डी के जो पोस्ट है सिलेंडर किया गया, और ये पोस्ट जो सिलेंडर किया गया है वो 2024 में किया गया है। इससे पहले एक बार और भी जो कुछ पोस्ट को सिलेंडर किया गया था 2023 में, उसका भी हम आपको डिटेल वीडियो प्रोवाइड किए थे। और 2024 के डेट में कुछ और पोस्ट को यहाँ पे रेलवे ने सिलेंडर किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पार्टिकुलर रेलवे ने पोस्ट को सिलेंडर किया है, वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का बैकबोन है, अर्थात इंडियन रेलवे का बैकबोन है। सोच लीजिए, इंडियन रेलवे का बैकबोन होने के बावजूद भी रेलवे ने उन पोस्ट को सरेंडर कर दिया है। तो जितने भी कैंडिडेट ये सोच रहे हैं कि आने वाला टाइम में रेलवे का बंपर भर्ती देखने को मिलेगा, 40,000, 50,000, 60,000 पोस्ट देखने को मिलेगा, तो ऐसा उम्मीद साथियों बिल्कुल भी आप लोग मत लगा के रखिएगा। क्योंकि अब जैसा 2019 में आपका भर्ती आया था 1,00,000, फिर यहाँ पे 2018 में जो असिस्टेंट लोको पायलट का 63,000 की 64,000 पोस्ट पे भर्ती आया था, ऐसा भर्ती अब शायद ही कभी देखने को मिले। ये एक रेलवे का भी हिस्ट्री बन गया है, और रेलवे अप्रेंटिस या फिर बोलिए रेलवे छात्रों के लिए एक सपना बन गया है कि इतनी बड़ी तादाद में रेलवे जो है भर्ती फिर से कब रिलीज करेगा। इसके रिगार्डिंग किसी के पास कोई भी जानकारी नहीं है, क्योंकि अब रेलवे यहां पे बोल रहा कि भैया हम आपको ईयरली बेसिस पे हर साल भर्ती देंगे, चाहे वो एलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी, जेई, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई, जो भी यहां पे रेलवे का भर्ती आता है, भर्ती यहाँ पे जो अपकमिंग है उसमें आपको ईयरली बेसिस पे भर्ती रेलवे देने की बात कही है, कर रही है। ठीक है, उसी तरह आपका एएलपी का भी बात रहा कि जहाँ पे सोचिए सभी उम्मीद लगाए बैठे थे कि 50,000 तो कम से कम भर्ती आएगा, वहीं पे इसका 10% सीट मात्र देखने को मिला, 5,696 पोस्ट पर यहाँ पर भर्ती देखने को मिला। तो सोच लीजिए, जब इतनी कम कम पोस्ट पर यहाँ पर भर्ती आएगा तो कॉम्पिटिशन किस लेवल का जा सकता है, या भी यहाँ पर सोच सकते हो। अब बात रहा कि ग्रुप डी का, मतलब ये आप समझ लीजिए कि ले दे के सीधा और सीधा आईटीआई वाले कैंडिडेट पर बहुत ज्यादा यहां पे इफेक्ट पड़ेगा, और इसके साथ साथ अप्रेंटिसशिप वाले कैंडिडेट पे भी इफेक्ट पड़ेगा। जब यहां पे भर्ती कम आएगा तो उनको कोटा कम मिलेगा, क्योंकि उनको 20% का रिलैक्सेशन मिलता है, और जब कोटा कम मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि कटअप भी ज्यादा जाएगा। तो इसी के मुद्दे पे आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आरटीआई के माध्यम से यहां पे बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने क्या जवाब दिया है, और पार्टिकुलर किन किन पोस्ट को सिलेंडर यहां पे किया गया है।
तो सबसे पहले बता दें, ये जो आरटीआई है एक स्टूडेंट के द्वारा यहाँ पे फाइल किया गया था, और ये जो आरटीआई का डेट है आपका 13/1/2024 के डेट में आरटीआई लगाया गया था, और जो जिसका रिप्लाई है फरवरी मंथ में आपको देखने को मिला। इसमें टोटली यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछा गया था, हालांकि इस क्वेश्चन को छोड़ देना है हमें, 1 और 2 नंबर का जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, पूछा जा रहा कि नंबर ऑफ पोस्ट सिलेंडर इन ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 इन बेंगलुरु डिवीजन। कैंडिडेट का क्वेश्चन था कि कितने पोस्ट बेंगलुरु डिवीजन के अंतर्गत ट्रैक मेंटेनर का यहां पे सिलेंडर किया गया है। बहुत सारे साथियों को ही नहीं पता होगा कि ट्रैक मैन जो होते हैं ना, वो इंडियन रेलवे के बैकबोन है। अगर नहीं पता होगा तो याद रख लीजिएगा, ठीक है, कि ट्रैक मैन जितने भी होते हैं वो भारतीय रेलवे के बैकबोन के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। तो यहां पे वही क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने ऐसे पद हैं ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 के जो बेंगलुरु डिवीजन में सिलेंडर किया गया है। और ट्रैक मेंटेनर का जो भी पोस्ट होता है ना, वो सबसे बड़ी बात है कि ये सभी पोस्ट आपका सेफ्टी कैटेगरी के अंतर्गत देखने को मिलता है। जैसे जहां पे मान लीजिए एएलपी का, जैसे अगर मान लीजिए कहीं 200 सीट है एएलपी का, ठीक है, तो 200 सीट एएलपी का, तो किसी भी कीमत पे 200 एएलपी उनको यहां पे रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा रेलवे को, तो ही जाके रेलवे को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। सेम उसी तरह अगर कहीं ट्रैक मेंटेनर का 1000 पोस्ट खाली है, तो उनको 1000 पोस्ट यहां पे रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, तो ही जाके ट्रैक का देखभाल, ट्रैक का रख रखाव सही से हो पाएगा। तो यहां पे ये नहीं समझ में आ रहा कि आखिर किस कारण से यहां पे ट्रैक मेंटेनर का पोस्ट को रेलवे ने सिलेंडर किया। देखिए रिप्लाई में यहां पे क्या बताया जा रहा, रिप्लाई में रेलवे क्या बोल रहा है, यहां पे देखिए, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द लास्ट 5 ईयर ए टोटल ऑफ 523 अर्थात 523 पोस्ट ऑफ ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 वेयर सिलेंडर्ड इन द बेंगलुरु डिवीजन सिंस यू हैव नॉट मेंटेन इन द स्पेसिफिक पीरियड डिटेल फॉर द लास्ट 5 ईयर आर प्रोवाइडेड। यहां पे क्लियरली बोला जा रहा है कि लास्ट 5 साल में ट्रैक मेंटेनर का टोटल एक डिवीजन से 523 सीट जो है सिलेंडर कर दिया गया, 523 पोस्ट को सिलेंडर कर दिया गया। आप सोच लीजिए कि जहां पे बात करें रेलवे ग्रुप डी का भर्ती आता है, जैसे 2019 का ही भर्ती हम लेके चले, तो इसमें लगभग 40-45% जो सीट होता है वो अकेला ट्रैक मेंटेनर का ही देखने को मिलता है। ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको ट्रैक मेंटेनर के तहत यहां पे रिलीज किया जाता है, क्योंकि ये इंडियन रेलवे का बैकबोन है, और बिना ट्रैक मेंटेनर का रेलवे को सुचारू रूप से नहीं चलाया जा सकता। तो ये बात नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा रेलवे ने यहां पर दूसरा वैकल्पिक यहां पर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर दूसरा कौन सा ऐसा संसाधन वो इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके कारण 5 साल में 523 पोस्ट को रेलवे ने यहाँ पे ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 का यहाँ पे सिलेंडर कर दिया, और वो एक डिवीजन का बात है सिर्फ बेंगलुरु का। ऐसे अगर देखेंगे तो ऑल ओवर इंडिया में 68 डिवीजन है। आप कैलकुलेट कर सकते हो कि एक डिवीजन में जब 500 से ज्यादा पोस्ट सिलेंडर हुआ है, तो टोटल ऑल ओवर इंडिया से 68 डिवीजन में कितने सारे पोस्ट को रेलवे ने यहाँ पे सिलेंडर किया होगा। कहने का जाहिर सी बात है कि जो भी कैंडिडेट ये सोच रहे हैं कि ग्रुप डी में बहुत ज्यादा वैकेंसी देखने को मिलेगा, डियर गलतफहमी में मत रहिएगा। इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि आने वाला टाइम में ग्रुप डी का भी आपको बहुत कम ही पोस्ट देखने को मिलेगा, इसीलिए प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते रहिएगा। क्योंकि चाहे एलपी का बात हो, टेक्नीशियन का बात हो, एनटीपीसी का बात हो, जेई का बात हो, आरपीएफएसआई कांस्टेबल का बात हो, ग्रुप डी का बात हो, कंपटीशन सब में तगड़ा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब ये तो अब जब इसका नया वैकेंसी आएगा तभी बता क्लियर यहाँ पे हो पाएगा कि हालांकि ट्रैक मेंटेनर का कितना पोस्ट यहाँ पे आ रहा है, ग्रुप डी के अंतर्गत कितना पोस्ट आ रहा है, जो अक्टूबर नवंबर तक आपको क्लियर यहाँ पे रेलवे के द्वारा शॉर्ट नोटिस भी जारी करके यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो ये अभी लेटेस्ट अपडेट है रेलवे की तरफ से कि एक के बाद एक, हालांकि सोचिए 2019 के बाद कोई भी रेलवे का नया वैकेंसी नहीं आया ग्रुप डी का, पर यहाँ पे जो पोस्ट सिलेंडर का काम है वो प्रत्येक वर्ष यहाँ पे 100 के आसपास यहाँ पे पोस्ट रेलवे ने सिलेंडर किया है। चलिए एक और यहां पे देखते हैं, एक और जो क्वेश्चन पूछा गया उसके बारे में। तो दूसरा क्वेश्चन यहां पे पूछा गया था कि नंबर ऑफ पोस्ट सेक्शन स्ट्रेंथ ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 बेंगलुरु डिवीजन। बेंगलुरु डिवीजन में टोटल ट्रैक मेंटेनर का कितना सेक्शन स्ट्रेंथ है, तो यहां पे आपको बताया जा रहा बेंगलुरु डिवीजन इज हैविंग ए सेक्शन स्ट्रेंथ ऑफ 917 अर्थात 917 पोस्ट ऑफ ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4। आप सोचिए यहाँ पे पोस्ट सिलेंडर करने के बाद बेंगलुरु डिवीजन में मात्र 917 ही ट्रैक मेंटेनर का स्ट्रेंथ यहाँ पे बचा हुआ है, जिसमें से कुछ पोस्ट अभी खाली भी हो गए होंगे, जो अपकमिंग आपका जो भर्ती आएगा ग्रुप डी का उसमें आपको देखने को मिलेगा। सोच लीजिए 917 और प्लस यहाँ पे 523 कर दीजिए, तो आपको यहाँ पे लगभग 1400 से ज्यादा यहाँ पे जो पोस्ट है आपको अकेला ट्रैक मेंटेनर का सिर्फ बेंगलुरु डिवीजन में देखने को मिलता, पर यह आप ऐसा नहीं होगा क्योंकि 523 पोस्ट को यहाँ पे रेलवे ने सिलेंडर कर दिया गया, विगत पिछला 5 सालों से ही को किया जा रहा। मतलब हर बार यहां पे देखिएगा
तो रेलवे के किसी ना किसी विभाग से आपका हर बार कोई ना कोई पोस्ट को सिलेंडर किया जा रहा, और सबसे ज्यादा जो दुखद यहाँ पे हो रहा है वो ग्रुप डी पोस्ट के रिगार्डिंग हो रहा है। ग्रुप डी में सबसे ज्यादा पोस्ट को यहाँ पे सिलेंडर किया जा रहा, चाहे आप किसी विभाग से बात कर लीजिए। ठीक है, तो प्रिपरेशन को कंटिन्यू करिए, प्रिपरेशन में और जोर लगा के करिए, क्योंकि आने वाला टाइम में कट ऑफ आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। और वैकेंसी का ये मत सोचिएगा कि बहुत ज्यादा वैकेंसी आएगा, 50,000, 60,000, 1,00,000 ग्रुप डी का, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, हम आपको पहले ही यहाँ पे क्लियर कर दे रहे हैं। इसीलिए जितना कम उम्मीद रखिएगा उतना ही बेटर होगा, क्योंकि एएलपी का एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है, टेक्निशियन का एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है। 2018 में बात करें तो 64,000 के आसपास, 63,000 के आसपास आपका एएलपी का वैकेंसी आया, उसमें अभी कितना वैकेंसी आया, 5,696 वैकेंसी आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरह उम्मीद कम रखिएगा, प्रिपरेशन ज्यादा करिएगा, तो ही आपको बेटर रिजल्ट यहाँ पे मिल सकता है। बाकी इससे रिलेटेड आपके मन में जो सवाल होगा, जो डाउट होगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। आज के लिए इतना, फिर से मिलेगा आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।